भी हुआ है और ज़ेलेंस्की को भी। जी हाँ, दोनों ही तरफ से ये भारी नुकसान यहाँ पर दोनों देशों के राष्ट्रपति को झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि इस महायुद्ध का खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ा है। लेकिन इसके पीछे जो वजह सामने आई है दरअसल वो बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका ने यूक्रेन की भरपूर मदद की, जिसके बाद दावा ये किया गया कि इस मदद की वजह से अमेरिका के हथियारों का भंडार करीब करीब खाली हो चुका है। नौ महीने में यूक्रेन के अंदर इतने बम बरसे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने हिसाब रखना छोड़ दिया है। लेकिन बाइडेन के पास हर गोली का अकाउंट है और यही वजह है कि वो ज़ेलेंस्की से बहुत नाराज है। अमेरिका की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लगता है कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की में दूरी बढ़ने लगी है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली ये कि बाइडेन को यकीन है कि ज़ेलेंस्की ने उनसे झूठ बोला है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि अमेरिका के गोले बारूद का गोदाम अब ज़ेलेंस्की के युद्ध की वजह से खाली होने लगा है। बाइडेन के पास कितने दिन के हथियार बाकी हैं, इस रिपोर्ट में आपको अमेरिका के बारूदी गोदाम की 100% रिपोर्ट मिलेगी। फिलहाल सवाल ये है कि यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बाइडेन यूक्रेन की मदद करने की कसम खाते रहे हैं वो ज़ेलेंस्की से नाराज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको पोलैंड चलना पड़ेगा। पोलैंड में यही वो जगह है जहां एक मिसाइल गिरी थी, यहां गड्ढा देखी और फिर यहां हुए धमाके के बारे में सोची, क्योंकि इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने जो दावे किए उसे बाइडेन भी खारिज कर चुके हैं। और इसी मुद्दे पर बाइडेन ने अपनी नाराजगी ज़ेलेंस्की की फोन कॉल पर भी जाहिर कर दी। अमेरिका की मीडिया का दावा है कि मिसाइल अटैक के बाद जब ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को फोन किया तो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का फोन नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि बाइडेन ज़ेलेंस्की से बहुत नाराज है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने फौरन पुतिन पर इल्जाम लगा दिया कि हमला रूस की तरफ से हुआ है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की रोजाना बयान देते हैं और पोलैंड में गिरी मिसाइल को लेकर उन्होंने फौरन न सिर्फ पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था बल्कि नेटो को भी रूस से निपटने के लिए एक तरह से भड़काने की कोशिश की थी। पोल्शा державы Балтії це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Коли Поленд пер мізайл се хамла хуа та, та Байден G20 саммелен ме те. Та пурі дунія кі лідершип Індонезія ме те. ऐसे में पोलैंड पर हुए मिसाइल अटैक से पूरी दुनिया घबरा गई थी। तब बाइडेन ने इसके बारे में क्या कहा था वो बहुत गौर से सुनिए। There is plenty of information that confess that I don't want to say that till we complete the investigation, but it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. Mr. President, has Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? Down in front, guys. Down in front. Probably have a meeting of the... ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन को ज़ेलेंस्की की बात बहुत बुरी लगी है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक बहुत ही नाजुक मसले पर गंभीरता ना दिखाते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है और बाइडेन को साफ साफ नजर आने लगा है कि ज़ेलेंस्की ने पोलैंड पर हुए मिसाइल अटैक को लेकर उनको भी गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि इसका नतीजा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था क्योंकि नेटो पर हमले का मतलब है अमेरिका पर हमला। अब सवाल है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बाइडेन की टेंशन की दूसरी बड़ी वजह क्या है। तो इसका जवाब साफ है, वो ये कि यूक्रेन को अमेरिका इतना हथियार सप्लाई कर रहा है कि अमेरिका का हथियारों वाला स्टॉक खाली होने लगा है
और इस बात से बाइडेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके सामने चैलेंज अब अपना गोदाम भरने का है, जो आसान नजर नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेलेंस्की ने नेटो और अमेरिका से लगातार हथियार की डिमांड जारी रखी। वो बार बार कहते रहे कि यूक्रेन के पास बम खत्म हो गए हैं। और उनको तो अभी रूस को खदेड़ने के लिए और धमाके चाहिए। Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною уся.